जय सदाराम। चौदस दे पावन पवित्र शगाई संप्रदाय जे पर्वतिक साईं सदाराम जो प्रकट्य दिवस आहे। परम पूज्य अष्टम गदेश्वर साईं गोविंद राम साहब जिन्हें स्वर्णिम न्यू रायपुर में सदानी दरबार जी स्थापना करी। हमें याद आए संतन संगत बैठे साईं गोविंद राम साईं जो विचार कयो हो त संत अगे रटन कंदा हुआ इन रस्ते तां संभव साईं सदाराम सां गुजरिया हूंदा कदें गंगा सागर वेंदे या को संत इन्हें परंपरा जो इन्हें भूमि ते जरूर चरण पसाया हूंदा साईं जन ते आया नगर वसायो दरबार साहब तीरथ के ते स्थापित गए। साईं गोविंद राम साहब जी भी इच्छा मंदिर भी है सारी जोत आए विचारण सा साईं युधिष्ठिर लाल भी सदाई सभी संगत के सनातन धर्म जे सदशास्त्र सदशास्त्र जो के आयन गीता भागवत रामायण वेद उन्हें जी जानकारी उन जो प्रचार इहो उन्हें जो छोड़ो मुख्य उद्देश्य सदाई रहो आए सो उन्हें उद्देश्य जी कड़ी में बिन्यन ला सिंध प्रदेश में आए सदाई सेवा जारी सत्संगी पण प्यारा जी तीर्थन के दर्शन कर अभिलाषा से आया हैं उन सभी के भी इो तीर्थन जो दर्शन धर्म जी सनातन धर्म जी जानकारी इतनी आसानी से सिंध में उपलब्ध मनिया अवेलेबल को सो थोड़े वक्त में होते जिन मोबाइल की बैटरी घटी है तो उनके चार्ज करो जत्थे की यात्रा भक्तन की धर्म की बैटरी के चार्ज करण जो कम की बैटरी साल ना चार्ज करे वेंदा हैं सो उन्हें सिलसिले में बिन दिन जे इन भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता गीता सुगीता किमनई शास्त्र विस्तृत
गीता सुगीता, गीता में सब कुछ समाय लागे, जे को सबने शास्त्र में आए सो गीता में आए, ऐं जो किथे भी कोन्हे उहो भी गीता में आए, तंहिंजे करे गीता परिपूर्ण पंहिंजे पाण में पुस्तक आहे। गीता जेका ॿ अखर आहिनि, दो शब्द आहिनि, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र। गीता में ब्रह्म विद्या है, एक विद्या होती है शरीर को चलाने की, एक विद्या होती है आत्मा के अवलोकन की, आत्मा के आनंद की। तो ब्रह्म विद्या होती है आत्मा के आनंद की। संसार में जो विद्या है या एजुकेशन है वो सिर्फ शरीर कैसे चलाना है उसके लिए है, गीता ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मान सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मज भक्तिम लभते परा। 18वें अध्याय में ये श्लोक है, जो इस विद्या को पा लेता है वो ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लेता है, फिर उसको कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती है, कुछ जाने की चिंता नहीं रहती है, तब वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है, तब वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है, जिससे वो मुझे प्यारा बन जाता है, मुझे प्रिय, मेरा प्रिय बन जाता है। इसलिए गीता, गीता के सिद्धांत से, गीता में से, 6वें अध्याय में लिखा है जिसका नाम है ध्यान योग, 6वें अध्याय का, उसमें लिखा है अनेक जन्म संसिद्धिम, अनेक जन्मों के बाद योगी को सफलता मिलती है। 7वें अध्याय में लिखा है बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रवद्यन्ते, बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान है वो मेरा शरण लेता है। बहुत जन्म लगते हैं योगी को, बहुत जन्म लगते हैं ज्ञानी को, ये गीता का वाक्य है, दोनों में बहुत जन्म लगते हैं। कर्म करने वाले का मुक्ति का तो कहीं उल्लेख ही नहीं है, क्योंकि कर्म करेगा तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, सुख हो या दुख हो, स्वर्ग में जाए। स्वर्ग की बात जब मैं कहता हूं तो क्योंकि ईसाई धर्म में सब हेवन में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, मुसलमान भाई भी जन्नत में जाना चाहते हैं, और ये दुनिया के बड़े धर्म हैं, इनको देख के देख के हमने भी स्वर्ग को बहुत मान कहना शुरू कर दिया। लेकिन हमारे बुद्धिमान बड़े लोग जो थे ना, उन्होंने ऐसी भाषा हमको सिखाई, जब किसी का शरीर छूटता है तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं, बड़े दुख से लिखना पड़ता है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अरे तो अच्छी जगह नहीं गया इसलिए लिख रहे हो ना, दुख से लिखना पड़ रहा है भाई, स्वर्ग को दुख ही कहीं गलत, खुशी करो ना, इसका मतलब स्वर्ग जाना गीता की भाषा में हमारा लक्ष्य नहीं है, कर्मियों का लक्ष्य, भोगियों का लक्ष्य है ये, कर्मियों को और भोगियों का लक्ष्य, क्योंकि गीता का श्लोक कहता है तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम कीन पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति, पुण्य कठे करो स्वर्ग में जाओ, थोड़ी सा आनंद भोगो, पुण्य पूरे हो जाए नीचे पट के जाओगे, तो वहां सदा तो नहीं रह सकते। तो स्वर्ग भी गीता का परम धर्म नहीं है, गीता की शुरुआती धर्म से होती है, धर्म से होती है, धर्म क्षेत्र का धर्म,
और आखिर में पूरी भी मां से होती है। इति मधुर ममा धर्म, सजी गीता धर्म जो शास्त्र है, गीता धर्म का शास्त्र योग शास्त्र है, गीता योग शास्त्र है। योग का गीता में जितने अध्याय हैं उन सब के आगे योग लिखा है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, मैंने बताया नहीं लेकिन जहां गीता में लिखा है ज्ञानी को बहुत जन्म लेने पड़ते हैं, योगी को बहुत जन्मों के बाद सिद्धि होती है, उसी गीता के 12वें अध्याय में भगवान लिखते हैं समुद्रता मृत संसार सागरात भवामी निचरात पारत मई आवेशित चेतसा। जो चित्त मुझ में लगाते हैं, अपने चित्त में मुझे बिठाते हैं, उनको इसी जन्म में मैं मृत्यु संसार सागर से स्वयं आऊंगा और अपने धाम लेकर जाऊंगा, बहुत जन्म नहीं लेने पड़ेंगे भक्ति के मार्ग में। ये गीता का प्रमाण है। कहा गया कि मैं गरुड़ के ऊपर चढ़ के आऊंगा, कैसे ले जाऊंगा? बोला मृत्यु संसार सागर है तो सागर में डूबता होगा, गर्दन ही बाहर होगा, मैं सर के ऊपर हाथ उठाऊंगा, चोटी होगी तो बच जाएगा, नहीं होगी तो डूब जाएगा। योगा पक्की रख दो, ये सब देवियों बच्ची वेदियों चोटी बच्ची हैं, ये पाओ बचत भगवान करे बिना चोटी द्वारा कौन बच्चे भगवान डूबते को निकालेगा तो सर बाहर होगा ना, चोटी हाथ में आती है, चोटी नहीं होगी तो रोटी डूब जाए। मैं सच कह रहा हूं, एक हरिद्वार का ब्राह्मण मुझे बता रहा था कि यहां पानी का धारा तेज है तो बेचारी कभी कभी लोग बह जाते हैं, तो हम बचाने जाते हैं, स्त्री को बचाना आसान है क्योंकि चोटी है, उसको पकड़ने दूर से लेके आ जाते हैं, ये पुरुष को चोटी होती है वो हमारा गर्दन पकड़े हमको भी डुबा देता है, इसलिए चोटी वाले का बचना संभव है तो चोटी होनी चाहिए। सिंध में रहे दोस्त, उन्होंने चोटी रखी बार ये क्या है, मुझे अखर अखली रोशनी घटे कहने कर त्यौहार रखा है, ये तो व्यवहार कटाने में चोटी उठ रही हुई, मुझे ये छा कहते मुझे मुझे अकेली रोशनी खराब है। लड़के पढ़ते थे कलम पेन नहीं लाते थे, रेवादर लाते थे, सो मेरे गले में ये मालूम पड़ी थी, मैं लालकाने में पढ़ाता था, तो उसने कहा ये क्या है सर, ये छाए सर, माँ होते हाथ लगाए थे मुझे, ये छाए फोटो माऊ सर अठ गोलियों निकल गई, मुझे 108 गोलियों निकल गई, मुझे भी ये मेरा भी हथियार है, 108 गोली है इसमें। इस सच्ची गल तो छा कुछ होती पाए तो किए थे बने तो अगर इस पोया चाहिए ये पीछे क्या है, तो उन्होंने अगर टाइप आप कर ये क्या है, चाहिए नेपता है, चाहिए बेपता है, खाली खाली की कड़ी जरूरत है। जय श्री राम, जय श्री राम जी। इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं थोड़ा थोड़ा, महात्माओं को हमें महात्माओं को प्रणाम है। सो भगवद गीता योग शास्त्र है, हर अध्याय का नाम है योग,
और योग का अर्थ है मिलाना, जोड़ना। जीव को भगवान से सेवा और प्रेम से जोड़ने को योग कहते हैं। योग एक सीढ़ी के समान है जो नीचे से ऊपर तक ले जाती है। उस सीढ़ी के पड़ाव का नाम है कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। ये पड़ाव है उस सीढ़ी के। सो हमने कल जहां कथा शुरू की थी, दो उदाहरण दिए थे, एक तो रात को सेठ 2 बजे मंदिर में प्रार्थना करने वाले दरबार में भक्त की जरूरत पूरी करता है, और दूसरा एक अभी उदाहरण बता के फिर गीता के श्लोक 1 की व्याख्या करेंगे आज। एक बहुत गरीब था, माता जी गरीब थी, एक स्त्री थी, किसी धार्मिक स्थान के दरबार मंदिर में प्रार्थना कर रही थी। भगवान, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूखे हैं, आप सबको रोजी पहुंचा रहे हैं, सबको दाना दे रहे हैं, हम भी आपके दरबार में प्रार्थना करने आए। एक नास्तिक खड़ा था, नास्तिक का मतलब जो भगवान को नहीं मानता है। उसने कहा, ये मूर्ति क्या देगी, ऐसे ही बुढ़िया प्रार्थना कर रही। बुढ़िया बेचारी घर गई, इसने बाजार से ब्रेड बटर लिया और कुछ सामान लेके बुढ़िया के घर भेजा। बुढ़िया ने कहा, वाह मेरे भगवान, अभी प्रार्थना किया, अभी आपने सब कुछ भेज दिया। तो उसने बोला, पूछो तो सही किसने भेजा है, मैं जानती हूं मेरा भगवान भेजना चाहे तो किसी नास्तिक के हाथ से भी भेज सकता है। भगवान भेजना चाहे तो किसी नास्तिक के हाथ से भी भेज सकता है, इसलिए मुझे पूछने की जरूरत नहीं है किसने भेजा है, वो उसके हाथ से भी भेज सकता है। तो एक श्लोक उसकी व्याख्या करते हैं, फिर एक सरल साधन गीता का आपको सिखाएंगे जो आपके घर परिवार के जीवन में बहुत काम आएगा। गीता का एक श्लोक ये बहुत प्रसिद्ध है, आप भी उच्चारण करना चाहें तो कर लो। अनन्यास चिंतयन्तो मां, अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये जनाः परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये 9 अध्याय का एक श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, ये जनाः परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसका अर्थ है जो अनन्य, अनन्य के 2 माना है, एक है न अन्य, और किसी का नहीं मेरा, और दूसरा अनन्य का अर्थ है निरंतर, सदा के लिए। अनन्य का मतलब सदा के लिए, मेरा और सदा के लिए अनन्य। चिंतयंतो, चिंतयंतो का मतलब है चिंतन करना, मन से चिंतन होता है। मां जब श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, तो अपने छाती के उंगली के ऊपर उंगली रख के कहते हैं, जो मेरा निरंतर चिंतन करता है,
ये जन्म आ, ये है भगवान की ओपन इनविटेशन, कोई भी हो। देखो गीता का पहला श्री कृष्ण का शिष्य है सूर्य देव, चौथे अध्याय का श्लोक है, इमं वस्वते योगान प्रोक्तान अव्ययम् वस्वान मन वे प्राहो मनो इक्ष्वाकु अब्रवीत। मैंने गीता का ज्ञान पहले सूर्य देव को दिया। सूर्य देव को गीता का ज्ञान देने से कृष्ण का उद्देश्य यह है कि एक सूर्य पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, न रशिया का अलग सूरज है सूरज है, न चाइना का अलग सूरज है, न अमेरिका का अलग सूरज है, न भारत का अलग सूरज है, एक ही सूर्य सारी दुनिया को प्रकाश देता है। ऐसे एक ही गीता सारी दुनिया को प्रबुद्ध हो सकते वास्तव में संदेश है। और जैसे गीता, जैसे सूर्य कभी छुट्टी नहीं करता, सूर्य का प्रकाश हर दिन सबको जगाता है, काम पे लगाता है, ऐसे गीता का उपदेश आपको सक्रिय बनाया, निष्क्रिय कभी नहीं बनाएगा, आपको शक्तिशाली बनाएगा, आपको बलवान बनाएगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा। सूर्य भी बुद्धि का बुद्धि देने वाला है। सूर्य गीता को पहले भुवस्वान सूर्य का नाम है। सुएक सूर्य को भगवान ने गीता की शिक्षा देकर, गीता सर्वजानिक है, सर्वभौमिक है, सर्वकालीन है, सब समय के लिए है, सब जगह के लिए है और मानव मात्र के लिए। ये बात भारत के संत इतना आसानी से समझ नहीं पाए थे कि गीता पूरे विश्व के लिए कैसे हो सकती है, लेकिन सबके हृदय में तो परमात्मा वही बैठा है ना, कोई दूसरा तो नहीं है ना। और ये वास्तव में आज पूरी दुनिया के, रशिया के भी और अमेरिका भी और अफ्रीका के भी, गीता के भाषा, उनकी भाषा में गीता अनुवादित है, चाइना भाषा में भी गीता को अनुवादित किया है, 80 दुनिया की भाषा में, और सब लोग पढ़ रहे हैं। ये गीता की सर्वजानिकता को स्थापित किया गया है। आज हर भाषा में, अरबी भाषा में गीता है। बाहर जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं, अरब भाषा देश के लोग, वो उस गीता को लेते हैं, पढ़ते हैं, अरबी भाषा में गीता है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः परिव, ये जनः का मतलब कोई भी भाग्यशाली जो मेरे इस गीता के संदेश से मेरा अनन्य चिंतन करता है। परिउपास्ते का प्रकृष्टेण रूपेण उपासते, प्रकृष्टेण रूपेण का मतलब पूरी तरह से, उपासते का अर्थ होता है उप का मतलब नजदीक, आस्ते का मतलब बैठना, मेरे पास आके बैठता है। इसका वास्तव में अर्थ है जो मेरा सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। जैसे हम कहते हैं संतों का सानिध्य प्राप्त हो, निकट आए, ऐसे जिसकी अभिलाषा भगवान कहते हैं मेरा सानिध्य प्राप्त करने की है, मेरा पार्षद बनने की है, वो मेरे पास आके बैठता है। कब आके बैठता है? सिर्फ संडे को। नित्य भी युक्त आना, नित्य, नित्य का मतलब अर्थ है हर रोज, नेम से अभी युक्त, युक्त का मतलब जुड़ना, जो मुझसे सदा के लिए जुड़ा हुआ है। कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं? सेवा से, जैसे मां बच्चे से जुड़ती है प्रेम और सेवा से। बच्चा कभी मां को भूलता नहीं है, सब स्त्रियों में अपनी मां को पहचान लेता है,
माँ अपने बच्चे का रोना हजार बच्चों में पहचान लेती। ऐसे भगवान जो नित्य भगवान से जुड़ा हुआ है उसके साथ संबंध स्थापित हो जाता है। अरे भगवान, हम सारा दिन आपके पास बैठे रहे तो हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे घर की रक्षा कौन करेगा? तब भगवान ने ये श्लोक कहा है, योग क्षेमं वहामि अहम्। उसकी आवश्यकता को मैं पूरा करूंगा, जरूरत सारी पूरी करूंगा, और जो है उसको संभाल के बचाने की जवाबदारी भी मैं लेता हूं। लेकिन इस श्लोक में शब्द लिखा है वहामि। वहामि शब्द, वाहन, वाहन का मतलब जो गाड़ी सामान उठा दिया उसको वाहन कहते हैं। तो एक अर्जुन आचार्य नाम का विद्वान था, वो महाभारत के ऊपर टीका लिख रहा था। वो जब इस श्लोक पे आया तो उसको लगा, भगवान किसी के हाथों से दिला सकता है क्या? अपने कंधे के ऊपर उठा के किसी के घर में भूखे को रोटी देगा क्या? उसको वहामी शब्द के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। उसने कलम निकाला, वहामी शब्द को काटा। वहां भी ठीक नहीं लग रहा है, कहीं गलती से लिखा हुआ है। ददामी हो सकता है, देता हूं, दिलाता हूं। ब्राह्मण काट के चला गया स्नान करके भिक्षा लेने। ब्राह्मण को पांच घरों में भिक्षा मांगने का अधिकार है। सारा दिन कटोरा लेके घूमना नहीं है, 15 मिनट में पांच घरों में गया और मिल गया तो ठीक, नहीं तो उपवास। ये इसको कहते हैं मधुकरी। मधुमक्खी जैसे 5-10 पेड़ों से जाके मधु लाती है ना, ऐसे ब्राह्मण को किसी को सब एक घर से भी नहीं लेना चाहिए, उसके ऊपर भार भी नहीं पड़ना चाहिए, 5 घरों से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मण को कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्राह्मणी जो घर में बैठी थी, दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, 9-10 साल का बच्चा, कंधे में लाठी, लाठी में 2 टोकरी, टोकरी में दाल चावल दूध दही घी चीनी सब भरा हुआ अंदर लाके रखा। ब्राह्मणी, ये सारी भोजन की सामग्री आपके लिए मैं लाया हूं। जब झुक रहा था तो ब्राह्मणी ने देखा पीठ के ऊपर लाल निशान है, जैसे किसी ने चोट मारी है। बेटा ये किसने मारा? बोला ब्राह्मण ने मारा, मुझे आने में देर हो रही थी। ब्राह्मण कभी मुख से भी किसी को कड़वा नहीं बोलते, आपको कैसे मारा होगा? बेटा बेटो, मैं भोजन बना दूं, भगवान को भोग लगाऊंगी, आप प्रसाद लेना, पंडित जी आएंगे तो पूछेंगे आपको मारा क्यों। ब्राह्मण तो अंदर जाके भोजन लगाने बनाने लगी, भोग लगाने लगी, बच्चा चला गया। ब्राह्मण आया, देवी ने दरवाजा खोला, ब्राह्मण कहा आज भिक्षा नहीं मिली। कहा नहीं, भोजन तो तैयार है। और आसन पे बिठाया, पूरी हलवा रोटी चपाती कहे के कहोगे खीर, ये कहां से आया? बोले महाराज, मैं सोचा आप भूखे होंगे, खा ले तो आपसे फिर पूछूंगी। उस बालक के ऊपर इतना सारा सामान क्यों लाद दिया, और आने में देर हुई तो उनको मारा क्यों? पंडित जी सर के ऊपर हाथ, और मैंने तो किसी को नहीं दिया, और मैं किसी को मारूं, ये तो मेरा स्वभाव नहीं है। पंडित को ध्यान आया कि मैं स्वभाव गीता के शब्द के ऊपर लगी लगाते दिया था, वहां भी शब्द को मैंने काटा था। ये गीता भगवान की वाणी है, वो निशान भगवान के पीठ के ऊपर लग गया। उठ के गया, जाके देखा
वो लगी वहां नहीं है, वहां भी शब्द चमक रहा है। ब्राह्मण कहता है मेरे से गलती हो गई भगवान, आप वास्तव में अपने कंधे के ऊपर उठा के अपने भक्तों की कमी को पूरा करते हैं। मेरे को ये समझने में गलती हो गई, इसलिए पुस्तक नहीं है गीता, भगवान और भगवान की वाणी में, गुरु और गोविंद की वाणी में अंतर नहीं होता है, ये साक्षात भगवान है। उससे ये यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजामि अहम्। भगवान कहते हैं जैसे तुम मेरे पास जिस भाव से आओगे उस भाव से मैं तेरे साथ व्यवहार करूंगा, तुम मुझे अपना बनाने आओगे तो मैं तुझे अपना बना लूंगा, तुम मुझे सपना दिखाने आओगे तो मैं तेरे को सपना दिखा दूंगा। सो हम जैसे भगवान के पास जाएंगे वैसे भगवान हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो आज का जो मैं एक शिक्षा गीता से अपने घर परिवार के लिए है, एक छोटी सी बच्ची थी, बालकी थी, घर में छोटा सा गोपाल का विग्रह था, मूर्ति थी, उसकी पूजा करती थी बचपन में प्रेम से। लड़की बड़ी हो गई, लड़की का विवाह हो गया, अपने साथ उस गोपाल को ले गई। पति बहुत ही समझदार, प्रेम करने वाला और सुलझा हुआ व्यक्ति था, खुश थी, लेकिन सास बहुत सख्त थी। ये सास शब्द जिसने लिखा है कैसे लिखा हमें मालूम नहीं, लेकिन इसका अर्थ होता है जिसको देखने से सांस बंद हो जाए। सांस माने लेकिन इसकी सहा बंद थी। पंजाबी में चौड़िया है, पंजाबी में ये कहना है, सांस चंगी भली नहीं तो दीवार पे टंगी भली। या चंगी हो जाए तो माला पाते रहिए। क्यों नहीं लगता है कि एक दिन वो भी बहू थी तो उसको आगे व्यवहार बदल देना चाहिए, बहू को बेटी समझना शुरू कर दे तो जीवन बदल जाए। फिलहाल सांस तो सांस है, अकेले घर में सबका है। सो बच्ची बेचारी पानी भरने के लिए गई थी, रो रही थी, तो एक साध्वी वहां आ गई, कहा बेटी रो क्यों रही है? कहा मां क्या कहूं, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा विवाह हो गया है, मेरे घर में सुख शांति है, मैं चाहती हूं कि सबके साथ प्रेम से रहूं, सेवा करूं, परंतु मेरी सांस बहुत सख्त है, मैं सेवा नहीं कर पाती। उस आदमी ने कहा बेटी तू जो भगवान की घर में पूजा करती थी वो तो साथ लाई हो ना? बोला हाँ तो वो मेरे साथ है। बोला वो तुम्हारी सांस की दिल में भी तो है ना, तो सबकी दिल में है। बोला उसी को जाके प्रार्थना करो कि हे मेरे भगवान तू मेरी सास की दिल में भी रहता है तो उसकी दिल बदल के मां की दिल बना दे।
तेरा भगवान उसकी दिल बदलने में कौन सी देर करे। ये बेचारी घर गई पानी रख के भगवान को कहती है, भगवान मैं आपके चरणों में प्रार्थना करती हूँ, आप ही तो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो मेरी सास के हृदय में भी तो है ना, तो उसके हृदय में परिवर्तन कर दो, बदलाव ले आओ कि वो मुझे अपनी बेटी समझे और मुझे सेवा में सहायता करे। मैं घर को सारे को साफ चलाना चाहूँ। 5-7 दिन के बाद सास का व्यवहार बदल गया, घर में प्रेम का वातावरण हो गया, भगवान चमत्कार करने में देर नहीं लगा। और हमने जीवन में देखा है कि हम मंदिरों का जब संचालन चलाते हैं तो कोई नाराज होता है, बड़ा आदमी भी नाराज होते हैं, 2-4 महाराज आ रहे हैं, पहले किसको बिठाना है, वो कहता है मेरी बारी करो, कहता पहले मुझे बोलने दो, बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कुछ नाराज होके जाते हैं तब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, उसके हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हो ना भगवान, मेरे दिल में तो उसके लिए कोई बुराई नहीं थी, मैं तो उसकी सेवा करना चाहता था, अब उसके दिल को बदल दो, मेरे प्रति उसके कोई कुभाव हो तो उसको निकाल दो। मैं देखा 5-7 दिन के बाद वो बदल जाता है और उसके साथ व्यवहार अच्छा हो जाता है। आप अपने जीवन को ऐसे सुधारना चाहें तो जिसके साथ थोड़ा सा भी ऐसे व्यवहार में कष्ट आ जाए तो भगवान को प्रार्थना करना सीखो। ये 8वें स्कंद भागवत का सिद्धांत है, दुख हो तकलीफ हो संकट हो तो भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, कहीं 7वें आसमान पे भगवान नहीं है, हमारे दिल में बैठे हुए हैं। जैसे फूल पास में पड़ा हो तो खुशबू अपने आप नासिका में आ जाती है, ऐसे हमारी दिल की बात भगवान पहले से ही सुन लेते हैं, और सामने वाले के दिल में तो वही परमात्मा बैठे हुए है ना, उसको कहेंगे कि इसकी नीयत खराब नहीं है और वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। और कभी कभी लोग पूछते हैं यही फार्मूला, एक बच्चा था मतलब कहता था मुझे भगवान आपसे मिलना है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं कैसे आपको जानता नहीं हूँ, आप कोई व्यवस्था करें। तो एक महात्मा था जो रोज घोड़े के ऊपर चढ़ के अपने गांव से जाता था कहीं प्रचार करने, उसने वो घोड़ा अपने आप कहीं जाने लगा, महात्मा ने कहा चलो घोड़े की मर्जी क्या जाए आ जाते हैं, पता लगा उसी घर के सामने घोड़ा खड़ा हो गया जहाँ वो बच्चा भगवान को प्रार्थना कर रहा था कि मेरे रास्ते में मुझे, मैं आपको पाना चाहता हूँ भगवान, अब मुझे रास्ता कौन दिखाए। वो नीचे उतरा, इसने उसको प्रणाम किया, महाराज पधारिए, मैं तो भगवान को प्रार्थना कर रहा था, उसी भगवान ने मेरे को यहाँ भेजा है, नहीं तो घोड़ा मेरा इस रास्ते से कभी नहीं आता है। तो भगवान ऐसे महात्मा को भी आपकी सहायता के लिए भेजते हैं, इसका अर्थ है कि आप जिनको वीजा मिलिए जो आए ये भी भगवान ने व्यवस्था की होगी, अप्लाई तो बहुत करते हैं। तो ये भी परमात्मा ऐसे कई कमाल के काम करता है। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, ये गीता का श्लोक है कि मैं सबके हृदय में बसता हूँ परमात्मा के रूप में। स्मृति, मैं आपको याद करने की ताकत दूंगा, अपोहनम भुलाने की ताकत दूंगा, ज्ञानम चाहिए और ज्ञान चाहिए तो ज्ञान भी दूंगा, दुख को भुलाने की ताकत देते हैं, ये नहीं दे तो लोग एक आदमी दुख के नीचे दब के मर जाए। अरे भाई सबका संबंध ही मरता है तो वो बेचारे का जब प्राण निकलता है तो आदमी कहता है मैं भी मर गया तो होता तो अच्छा है, 5 दिन खाता पीता नहीं है पड़ा होता है, लेकिन सामने की मन सब भूल जाता है और उसकी बंसी के ऊपर हलवे पूरी भी खाता है। ये भुलाने की ताकत कौन दे रहा है, कितने बड़े दुख आए भूल गए, ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि दुख को भुलाने की ताकत देता है, अपने आप को याद करने के लिए भी वही हमारी सहायता करता है। वैदेश सर्वे अहमेव भेदो, इसी श्लोक का दूसरा भाव है वेदों का। वेद शब्द जी, वेद शब्द का अर्थ है जानना, वेद मने ज्ञान, वो ज्ञान शब्द
संस्कृत में थी वो ज्ञान ज्ञान जैसे सिंधी ने ज्ञान चाहिए वो ही ज्ञान है सिंधी में हम संस्कृत में वो ज्ञान है ज्ञान ज्ञान साधु होकर है वेद माने ज्ञान वेद का अर्थ है जानकारी सो सारे वेदों से एक ही जानकारी प्राप्त करनी है कि भगवान कौन है वैदेश सर्वे अहमेव वेद्यो सारे वेदों से मेरे को ही जानना है क्यों भाई ऐसे कह रहे भगवान मैंने सब वेदों को मैंने ही तो वेद दिए हैं ब्रह्मा को तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि है ब्रह्मा के हृदय में वेद मैंने दिए कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरी पूजा करो मुझे नमस्कार करो मेरी आज्ञा का पालन करो ऐसे क्यों भगवान कहते हैं तो मैं उनसे कभी पूछता हूँ कि तुम्हारे बेटे हैं बुरा हैं तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे बेटे तुम्हारी आज्ञा का पालन करें तुम्हारी सेवा करें ऐसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो आप क्या चाहते हो हाँ भाई सब माता पिता तो यही चाहते हैं ना बच्चे हमारी सेवा करें हमारी आज्ञा का पालन करें तो भगवान सबका माता पिता है कि नहीं गीता का श्लोक है माता से जगतो माता धाता पिता मह वेद वेद्यम पवित्रम ओमकार ऋक्साम यजुर एवच वेदों का पवित्र ओंकार मैं हूँ ऋग्वेद में हूँ साम वेद में हूँ यजुर्वेद में हूँ अहम बीज प्रदा पिता मैं बीज देने वाला पिता हूँ तो पिता के नाते भगवान को अधिकार नहीं है हमको कहने का कि मेरी सेवा करो और मेरी आज्ञा का पालन करो है कि अधिकार नहीं है फिर भी कोई अकड़ीला आदमी होता है ऐसे क्यों कृष्ण कहता है तो फिर हम थोड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछते अरे शादी किए बोला हाँ की तो तू क्या चाहता है तेरी पत्नी तुमसे प्रेम करे तेरी आज्ञा का पालन करे इसमें क्या प्रश्न का पूछने का ही तो सत्य है तो मेरा जगत भगवान जगत पति है कि नहीं भगवान तो जगन्नाथ है जगत का पति है तो क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हमसे प्रेम करो तुम कहते हो कि मैं जिसको मैं मुझसे सब लोग प्रेम करें तो वो तो जगत का पति है जगत का पिता है वो क्यों नहीं चाहेगा कि हम उससे प्रेम करें सीधा सा कह रहा है सीधी सी बात मानने में इतनी देर क्यों लगानी चाहिए वैसे भी संसार के लोगों समझ लो इस दुनिया का रिश्ता एक जन्म का है भगवान का रिश्ता अनादिकाल का है हमारा और भगवान का रिश्ता अनादि है आत्मा के नाते शरीर के नाते ये रिश्ता इस संसार का है तो एक जन्म का है भाई जो रिश्ता नित्य है उसको निभाना चाहिए यहां जो कुछ भी ये छोटी कहानी बता के आपको सार समझा रहा हूं एक राजा था उसकी चार रानियां थी एक का नाम काया था उनसे इतना प्रेम करता था जहां जाता साथ ले जाता जो मांगती सो दिलाता दूसरी का नाम कंचन था उसको देखता था तो दिल खुश हो जाती थी सारा दिन दिन में बसाता रात को देख के फिर ही सोता था तीसरी का नाम कामनी था उसके साथ बहुत पर्यटन में जाता घूमता फिरता मौज करता चौथी का नाम करुणा था उससे कभी बात भी नहीं की कभी मुंह उठाकर देखा भी नहीं समय बदला महाराज पलंग के ऊपर पड़े रोग ग्रस्त हो गए यमदूत दिखाई दिए भयभीत होके कहने लगे काया काया मुझे डर लग रहा है मेरे साथ चलो महाराज साथ नहीं चल सकते सारी जीवन तो ऊपर साथ रखा साथ नहीं चलोगी अरे कंचन तुम तो चलो महाराज आपके जाते ही मेरा पति दूसरा हो जाएगा सदा तुमको दिल में बसाया और मेरे जाने से तुम दूसरे के अधीन हो जाओगी दूसरा पति तेरा हो जाएगा पूरा ये सत्य है महाराज कामनी तुम तो चलो महाराज शमशान तक जा सकती हो फिर मुझे बहुत काम है महाराज दुखी होने का सुनो संसार वालों जिसको अपना माना जिसको साथ रखा एक भी साथ नहीं चलता तब तक सामने से करोना
का महाराज मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछो, बोला कौन से मुंह से पूछू, मैं जीवन भर आपसे बात तक नहीं किया, आपको याद नहीं किया। बोला कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाओ। राजा कहता दुनिया वालों सुनो, तुम सब राजा हो, ये काया है, ये शरीर तुम्हारी पहली रानी है जिसको बहुत सजाते हो, रोज नए कपड़े नए आभूषण नया भोजन खिलाते हो, मरने के समय ये साथ नहीं जाती है, ये तो यही छोड़ के जाना पड़ता है, ये सत्य है कि नहीं? ये कंचन धन दौलत है जिसको देखते दिल खुश होता है, उसको दिल में बसाते हैं, हमारे मरते उसका तो मालिक दूसरा होगा कि नहीं होगा, उसका पति तो बदल जाएगा। ये कामनी दुनिया वाले रिश्तेदार नातेदार है, ये शमशान तक ही चलेंगे और वहां भी ज्यादा रुकेंगे नहीं, देर घड़ी देखेंगे। लेकिन ये परमात्मा है जिसको हम न याद करें फिर भी हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है, तो उस परमात्मा को फिर बोलना चाहिए जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है, उसको हम याद नहीं करते हैं, जो कभी हमारे साथ जा नहीं सकता है उसको हम पकड़ के क्यों बैठे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। संसार में रहना ये शरीर का धर्म है, नाव बनाई है तो पानी में रहेगी और कहां रहेगी, नाव पानी के लिए बनती है, बाहर नहीं रखनी है। नाव का पानी में रहना तो नॉर्मल है, सही है, ऐसे हम संसार में रहेंगे तो ठीक है, पानी नाव में आ जाएगा तो डूब जाएंगे, संसार हम में आ जाएगा तो डूब जाएंगे संसार। और ये संसार क्या है कोई पूछे तो, राम जी ने बताया था लक्ष्मण को पंचवटी में, मैं और मेरा ये संसार की परिभाषा है। और वेद कहता है अहम ममेति इति विश्व, मैं और मेरा ये जहर है, इदम न ममा, ये मेरा नहीं है। जब यज्ञ करते हैं तो ब्राह्मण उच्चारण करते इदम इंद्राय स्वाहा, इदम न ममा, इदम न ममा, आखिर में कहना पड़ता है ये मेरा नहीं है। और वहां राम जी ने तीन कथाएं बताई, वो कह के हम आज के इस सत्र को यहाँ विराम देंगे। राम जी ने लक्ष्मण, उसको लक्ष्मण गीता कहते हैं, पंचवटी में एकांत में बैठे हुए दो बातें पूछी, वैसे तीन चार बातें हैं उसमें, मुख्य एक बात है माया क्या है और भगवान आपको मिला कैसे जाए। तो माया का उत्तर देते राम जी ने कहा कि ये जगत में जितना कुछ मैं और मेरा है यही माया है। और फिर कहा ये माया किसी को पकड़ती नहीं है, हम जाकर माया की गोद में गिरते हैं। और तीन मिसाल दिए, तीन उदाहरण दिए। पहला उदाहरण राम जी ने दिया, बंदर को पकड़ने वाला जो मदारी होता है वो सामने बंदर को देखता है और बहुत सकड़े मुंह वाली पानी की सुराई जो होती है नीचे, जिसका पेट बड़ा होता है और मुंह छोटा होता है, उसमें कुछ चने डालता है। बंदर वहां से चने देखता है, मदारी दूर जाता है, हाथ डालता है ऐसे सुराई में, अंदर मुट्ठी चने की भर जाता है, फिर मुट्ठी भरी हो गई बाहर नहीं निकलती है, कहता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने पकड़ा है क्या बंदर को, ऐसे मुट्ठी खोले हाथ निकाले नहीं निकालेगा, तब तक बंदर का मदारी रस्सी डालेगा गले में, तब चने भी छोड़ने पड़ेंगे, हाथ भी बाहर निकालेगा, फिर उसको लाठी लेके बाजार में घुमाएगा, बाबू को राम राम करो, और बंदर घूमता रहेगा नाचता रहेगा। ऐसे हमने संसार के भोग वाली मुट्ठी में कुछ दुनिया को पकड़ के रखा है, माया ने गले में रस्सा डाल दिया है, अब जब माया हमको नचा रही है और हम नाच रहे हैं, ये है माया का पहला। दूसरा, माया कैसे पकड़ती है, माया नहीं पकड़ती है, हम कैसे माया की गोद में गिरते हैं। उदाहरण दिया, जब तोते को शिकारी पकड़ता है तो एक ये डंडा है एक इधर डंडा, दो डंडा लगाता है,
तीसरे डंडे के ऊपर एक पाइप लगाता है और आगे कुछ दाने डालता है। तोता आगे पाइप के ऊपर बैठता है बीच वाले के ऊपर और खाने के लिए मुंह नीचे करता है तो पाइप तो घूम जाता है, तोता उल्टा लटक जाता है और कहता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, किसी ने तोते को पकड़ा है, ऐसे खड़े है और उड़ जाए, नहीं उड़ेगा तब तक उसको आगे शिकारी पकड़ के पिंजरे में डालेगा, फिर मिठू मिर्ची मांगता रहेगा सारी उम्र। ऐसे प्रकृति की माया के तीन गुण हैं, ये रजोगुण, ये तमोगुण, ऊपर का सतोगुण। इन तीन गुणों से बंधा हुआ जीव मां के गर्भ में उल्टा लटक जाता है, तोते की तरह उल्टा ही लटका हुआ संसार में सब जीव आता है। ये माया का दूसरा बंधन है। और तीसरा बंधन बताया कि रेशम के कीड़े जो अपने मुंह से रेशम बनाते हैं, रेशम का व्यापारी वो कीड़े के साथ रेशम को लाता है, पानी में उबालता है, कीड़ा मर जाता है, रेशम बेच के पैसा कमाता है। ऐसे हम अपनी मेहनत करके धन महल बनाते हैं और हमारे बच्चे हमारा अग्नि संस्कार करके सारा माल खा जाते हैं। सच तो ये है। तो राम जी ने बोला ये माया किसी को नहीं पकड़ती है, हम जाके माया की गोद में गिरते हैं। माया भगवान के पीछे है, जो भगवान को पीछ देता है उसको माया पकड़ती है, जो भगवान के सन्मुख है उसके सामने माया कभी नहीं आया। और कहा मुझे आपको भगवान कौन पा सकता है, मंगुन गावत पुलक शरीर नयन बहे नीर। राम जी ने कहा मेरा गुणगान करते हुए आंखों से आंसू बहे, शरीर में पुनकामनी हो जाए, छल कपट ना हो, उसको तो मैं अभी इसी वक्त मिल जाता हूँ, अब अधिक समय नहीं है। लक्ष्मण क्यों बोला सुरपंखा आने वाली है, अब कथा आगे नहीं पढ़ाएंगे, ये इतनी ही कथा को पूरा करना है, क्योंकि उसके बाद सुरपंखा आती है, फिर कथा इस राम लक्ष्मण की जो वार्ता है यह पूरी हो जाती है। सो माया सबको दुनिया में पकड़ के रखा है। और गीता का श्लोक पढ़ के अब पूरा करते हैं। पहला था बंडी, कोई किसी का कोई प्रश्न है तो 5-10 मिनट आप पूछ सकते हैं। ये श्लोक है गीता का, दैवी इश गुणमयी मम माया दुर्दया ये माम प्रपद्यन्ते माया एतान तरंती ते। ये मेरी माया भगवान कहता है बहुत कठोर है, इससे छूटना मुश्किल है, परंतु जो मेरा शरण ले लेता है माया उसको छोड़ देती है। तो माया से बचना है तो भगवान का शरण लेना है, और भगवान के शरण लेने के लिए साक्षात भगवान तो संसार में नहीं आते, लेकिन उसके प्यारे संत महात्मा हैं, उनका शरण लेना ही भगवान का शरण है। जे काले शिष्य करे आत्मसमर्पण तेई काले कृष्ण करे आपसम। जब शिष्य गुरु के शरण में जाता है, शरणागत होता है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं उसको अपना बना लेता हूं। जे तो समर्पण करना, शरण लेना माया से बचने का एक ही रास्ता है। इसलिए हमने बहुत चीजों का शरण लेके देख लिया, अब भगवान का शरण लेके जीवन में सुख को पाके देख लो। इन शब्दों के साथ आज के इस गीता के सत्र के सत्संग को ग्राम देते हैं। किसी की कोई जिज्ञासा हो, किसी का कोई प्रश्न या सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सभी सुविधाएं की प्राप्त थी और अच्छा कुछ जिज्ञासा आप जी तुम हम फरमाया तो संसार में इन्हीं जन्म से ही नातो है, सतगुरु से भी सिर्फ इन्हीं जन्म से नातो है। जन्म में गुरु से ही रोज गुरु वंदना पढ़ना है, उनमें ये होकर ही तो ऐसा बने। जन्म जन्म हाँ गुरु जो नातो है, गुरु जो नातो एक जन्म जो नाते, जन्म जन्म जो है वो करें चगे नमूने
जे जन्म जन्म जो न हो जे तो असि सुजानो था सजो दी असंदा बैठा है उठने रहंदे पर को कहे गुरु जे शरण में को कहे गुरु जे शरण में आए ते जी माने ना तो गुरु ए शिष्य जो जन्म जन्म यो जन्म जन्म ना तो एकड़े जन्म जन्म आए जन्मे जन्मे गुरु से। अभी हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है तो गुरु को फिर वापस लेने के लिए आना पड़ता है। इसका मतलब गुरु का और शिष्य का रिश्ता, वैसे गुरु भगवान का ही प्रतिनिधि है, जैसे भगवान के साथ नित्य संबंध है ऐसे गुरु के साथ भी नित्य संबंध है। सर्वप्रथम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। स्वामी जी श्रीमद् भगवद गीता के पंचदश अध्याय 15वें अध्याय में श्री भगवान प्रथम श्लोक में कहते हैं ऊर्ध्वमूला विशाखा श्रोतम प्रावयो छन्नांसि यश प्रणाली जैसे जबेद सफेद अभितर। ये दुनिया ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ ऊपर है। जड़ ऊपर है का मतलब ब्रह्मा जी ने पैदा किया है, सत्य लोक में बैठा है, ये दुनिया उसने पैदा की। और ब्रह्मा जी कहाँ से निकला? विष्णु की गर्भदक्षा विष्णु की नाभि से निकला। तो जड़ ऊपर है, ऊर्ध्वमूल, मूल का मतलब जड़, अधशाखा, शाखा का मतलब उसकी शाखाएं नीचे हैं, शाखाएं हैं नीचे के लोग। ऊर्ध्वमूल अधशाखा अश्वत्थ प्राहु अव्ययम्, इसको अश्वत्थ नाम का वृक्ष कहते हैं। अश्वत्थ का एक अर्थ है जो कल नहीं रहेगा और वृक्ष का अर्थ है जिसको काटा जा सकता है। इसका मतलब आप इससे अपने आप को आजाद कर सकते हैं, वृक्ष है तो काटा जा सकता है। प्रणाली जो वेदों के ऋचाएं हैं वो इसके पते हैं। बिना पते के वृक्ष नंगा लगता है, बिना वेद के इंसान नंगा लगता है। अगर शास्त्र का सहारा नहीं है तो वो नंगा है। तो छंदांसी यस्य प्रणाली, यस्य वेद स वेद अभी तक, जो इस वृक्ष को जानता है वो वास्तव में वेद को जानता है। ये श्लोक बात है। ये 12 श्लोक हैं 12वें अध्याय के, जिसमें वो गुण हम में आ जाने चाहिए जिससे भगवान हमको, हम भगवान को प्यारे लगने लगे। अद्वेष का मतलब किसी से द्वेष मत करो, किसी की बुराई मत करो। अद्वेष सर्वभूतान, अद्वेष का अद्वेष सर्वभूताना का मतलब है कि बकरे को और गाय को भी मत काटो, वो भी प्राणी है, उससे द्वेष करके मांस मत खाओ। इसका अर्थ ये भी निकालो, दूसरे के साथ अन्याय मत करो। अद्वेष सर्वभूताना, वो भी तो भगवान के ही बच्चे हैं। एक बाप के 5 बच्चे हो, एक पागल हो गया, उसको काट दोगे? अद्वैष का सर्वभूताना, मैत्र करुणा एवच, सबके साथ मैत्री रखो, सबको अपना मानो। करुणा का मतलब उनके ऊपर कृपा करो। करुणा एवच निर्ममो नाहंकार, मेरा है ये मन से बात निकाल लो। निराहंकार, मैं करता हूं ये भी छोड़ दो। कर्तापन और भोक्तापन छोड़ दो, मुझे बहुत प्यारे लगोगे भगवान के। यार ये बहुत श्लोक सारे अच्छे हैं, कभी इसको पढ़ना सीखना है तो इसके लिए अलग टाइम, लेकिन अच्छा है कि बच्चे को गीता के श्लोकों को पूछने का मन किया, बहुत अच्छा लगा। अद्वैष सर्वभूतानां मैत्र करो, नमो नमकार समदुःख सभी संतुष्ट सत्तम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समित प्रिय यस्मान मद्वि जते लोको। ये सारे श्लोक 9 में, जो दूसरों से उद्वेग नहीं, दूसरों को उद्वेग नहीं कराता, दूसरों से परेशान नहीं होता है, न दूसरों को परेशान करता है, वो मुझे प्यारा है। हरे कृष्ण। माना भगवान के प्रिय थे तो सभी प्यार करे। स्वामी जी का क्वेश्चन है कि उस समय जो दूसरों से परेशान नहीं होता है
साईं जेको बेन के परेशान न कंदो आहे जेको बेन के परेशान नथो करे उहो मूंखे प्यारो आहे इहो छोटा कि जेको सभिन सां प्यार करे थो जेको बेन सां यशमान जो द्विज ते लोको लोकान जो द्विज जो ते कुछ भी उद्विज जो उद्विज के पर ये उल्टी के मतलब असा के असा जे कम सा बे के उल्टी अची वजे जी माना माने असा जे कम सा बे जो जिंदगी उल्टी थी वजे वो एडो कम न तो करे आई यो एडो कम जे कंद भी था कदे परेशान न तो थी एको जब मगरमच्छ के पानी का डप कोने पानी के मगरमच्छ मा को का डप कोने जैसे मगरमच्छ को जल से डर है क्या और जल को मगरमच्छ से डर है क्या नहीं ना तो ऐसा भक्त जो न दुनिया से डरता है न दुनिया को डराता है वो मुझे प्यार है स्वामी जी की जिज्ञासा सभी है यार कि आज जो जो संसार है उनमें तरह तरह जा गुरु थी रहे हैं ऐड़ा गुरु भी है जिनके पाण नाम न बदला लेकिन मंत्र दीक्षा दे दिया है हाँ मंत्र दीक्षा दे ही है पहले शिष्य की ऐसे में उनके पाण मदद को ले तो छाप उन्हें भक्त जो कर रहा थी तो पानी पीना चाहिए छान के और गुरु करना चाहिए जान के ये पुरानी कहावत है पानी छान के पीना चाहिए और गुरु जान के करना चाहिए ऐसे मैंने सीधा रास्ता बताया भगवान को प्रार्थना करो कि हमें आपसे प्रेम करना है और जो आपसे प्रेम करना सिखाए उसका हमको दर्शन करा दीजिए और भगवान आपकी दिल में बैठा है उसी के साथ आपको मिलाएगा जो आपको भगवान से प्रेम करना सिखाए। असल गुरु शब्द जी माना है जो अंधकार का बाहर कभी रोशनाई में वी अचे जो असाजे माया के बंधन के तोड़न जो रस्तो बुधाए साईं हिकिड़ी गुरु साखियन में ईंदो आहे त साईं गोविंद साईं बस पंहिंजो गुरु गोविंद सिंह महाराज शिष्यों के साथ जा रहे थे एक सांप को मरा हुआ देखा उसके ऊपर हजारों कीड़े थे तो शिष्य ने पूछा ये क्या है बोला ये कच्चा गुरु बहुत से शिष्यों को ले डूब रहा था अब वो सारे शिष्य इसको नोच के खा रहे हैं ये गुरु गोविंद सिंह ने बताया ये एक कथा वहाँ लिखी है गुरु गोविंद सिंह के मुख से ये शब्द निकले थे कि ये सबको चूस रहा था मरने के बाद ये इसकी गति हो गई सुख वास्तव में गुरु एक सेवा है जैसे बाप की सेवा होती है बेटे को अच्छा बना के समाज को देना ऐसे गुरु की सेवा होती है शिष्य को संवार के भगवान के चरणों में अर्पण करना ये सेवा है ये बहुत और देखा नहीं है हमने गुरु की दो अवस्था होती है पहले साधक की अवस्था होती है वो कितनी सेवा करता है ये लोगों ने देखा ही नहीं उन्होंने सिद्ध अवस्था में देखा है जब उसकी पूजा हो रही है उन्होंने पहले क्या किया वो किसी ने नहीं देखा है इसलिए लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है वास्तव में शास्त्र में ये तो गीता में लिखा है तत्व प्रणिपाते न परिपर्शे न सेवया उपदेव छंदी ज्ञानिनम तत्व दर्शन अगर आपको सत्य को जानना है ज्ञान को पाना है तो गुरु के शरण में जाओ शरणागत हो जाओ प्रणिपाते न प्रणाम करो परिप्रश्ने न प्रश्न पूछो और सेवा करो उपदेशंति ज्ञानम आपको वो ज्ञान का उपदेश देगा क्योंकि उसने सत्य को देखा है उपदेशंति ज्ञान ज्ञानी नाम तत्व दर्शन वो तत्व का दर्शन दिया हुआ है वो आपका मार्गदर्शन करेगा लेकिन आपको निम्रता चाहिए
आप में जिज्ञासा चाहिए, आप में सेवा का भाव चाहिए। शिष्य के ये तीन गुण होने चाहिए, निम्रता, जिज्ञासा और सेवा। तो दयालु गुरु उसके ऊपर कृपा करके उपदेश देंगे। चलो अंतिम प्रश्न जी और अंतिम क्वेश्चन है ना, माता शक्ति के लिए क्वेश्चन का नाम। हाँ वो महाराज चल रहा हूँ, तो महाराज जय सदा पूछा बोल उच्चारण पर शास्त्र में उपांशु मंत्र जैमें सिर्फ जप बोलना है इनके उपांशु मंत्र शास्त्र की बोली में पर हाँ गायत्री तरह का परिवार टेव तरह का इनके वैखरी वाणी में चवन था ये वैखरी वाणी जो मंत्र आए कौन हुए असा गायत्री कहना इनके दफा डी में चप हिलन आवाज बाहर न निकले यो शास्त्र में जब मानसिक जप बो उपांशु जो वैखरी तो गायत्री असल में यो है गुरु मंत्र गुरु जने दीक्षा इंदो जने यो मंत्र देंदो है आई जब गुरु जो को डनल मंत्र डाडो कोन छे पर छाकान यो गायत्री परिवार वाले इन मंत्र के आम जामी वे आवाज में चवण जो शुरू कर पर उन पुराण संतन महात्मा के समाज में गायत्री मंत्र वे वो अगे जमाने में कौन हों जप जो मंत्र में आस्ते आस्ते जप मन सुहार वो ढो चव गायत्री जो जप कह हा अस पंडित जी दस सवा लख जप कर सुहा कह जप जप आस्ते आस्ते कह हाँ यो खास करे आर्य समाज इनके वैखरी वाणी में कहो को गायत्री परिवार की वायत्री वैखरी वाणी में कहो उन पैरी यो उपांशु जप नहीं संध्या काल जा मंत्र है इन्हें जे जपन जो टाइम सुबह जो प्रातः काल सिज उभरण का पैरी शाम जो सिज लेण का अग में मंझन जो पाके बने ये टे टाइम है ये संध्या वंदन का मंत्र है ये संध्या के समय ही इसका उच्चारण होता है नेम ये है नहीं ये धर्म के ये है एक धर्म की जागृति के ध्यान ये जो आपका जिस तरीके से कहा जाता है या जो बड़ी आवाज में कहा है ये है धर्म की जागृति जब लोग इतने सोए हुए हैं कि अब आवाज नहीं जा रहा है तो कभी कभी नेम को तोड़ना पड़ता है किसी बड़े मकसद के लिए छोटे नियम को तोड़ना पड़ता है उसके अंतर्गत ये आता है कि हमको बड़ा काम करना है कि लोगों को धर्म के रास्ते पे लाना है इसलिए हम छोटे नियम को तोड़ रहे हैं ये भी एक शास्त्र का सिद्धांत है छोटे नियम को कभी बड़े काम के लिए तोड़ना पड़ता है तो ये असल में नियम तोड़ रहे हैं परंतु काम इसका उद्देश्य बड़ा है कि लोगों के अंदर धार्मिक भावना को जगाना है क्योंकि बाहर बहुत से धर्म परिवर्तन भारत के अंदर इतने धार्मिक परिवर्तन हुए हैं कहा नहीं जा सकता है गत 1200 साल में तो इसलिए संतों ने ये देखा कि जो चीज़ पहले गोपनीय थी उसको खुले आम सबको दे दी जाए नहीं तो ये मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं ये भी ये इसी साई इतने इतने ही संत शंकराचार्य आए वो सब बैठा थे इतने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र उच्चारण के मुख्य चाहिए ये वेद का मंत्र है इसको खुला नहीं बोलते ये विस्फोट करने वाला मंत्र है शंकराचार्य को कहते चाहे मुख्य उन्हें नहीं चाहे हो तो ये वेद तो ये भी वेद का मंत्र है ना ये खुला नहीं कहना है लेकिन अब प्रचार में लोगों को जगाना है ये तो वास्तव में ये मंत्र खुले कहने के नहीं है ये तो गोपनीय मंत्र है सारे लेकिन ये किसी बड़े उद्देश्य के लिए छोटे उद्देश्य को छोटे नियम को बड़े नियम के लिए तोड़ा जा सकता है कुछ कारण के घट में घटी अखर उच्चारण में याद में अची वे जो घर घूमें स्कूल में कोई पढ़ाई तेज करें यो असानी मजबूरी है उनके सेखारण
उन हिसाब से मजबूत जरूरी है। बाकी जी साधना करनी है तो हवाल न निकलो, पाँच जप करणो है साधना करनी है तो उनमें हवाल न। तो महाराज जी को धन्यवाद प्रणाम। जो तीन गुण आप बताए हैं तमोगुण रजोगुण और सत्वगुण, तो तम में तो अवगुण है कि इसको गुण क्यों कहा जाता है, और रजोगुण में 50% अवगुण और 50% गुण होता है तो इसको गुण क्यों कहा जाता है, और गुरु सदगुरु में क्या अंतर है ये जानना चाहिए। महात्मा जी प्रणाम आपको भी। गुण शब्द का अर्थ यहाँ लक्षण नहीं है, यहाँ गुण शब्द का अर्थ है रस्सी जिससे बांधा हुआ है दुनिया में जी। गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है, और ये तीन गुणों की तीन रस्सियां हैं जिससे सारा प्रकृति में जीव बंधा हुआ है। ऐसे कहते हैं कि सुंदर कांड को सुंदर कांड क्यों कहते हैं, सारी आग लगाई थी जाके हनुमान ने इसको अग्नि कांड कहना चाहिए, इसका नाम सुंदर कांड क्यों रखा है, क्योंकि काम राग हनुमान सुंदर करने गए थे इसलिए इसको सुंदर कांड कहते हैं, वरना काम तो इसका नाम अग्नि कांड होना चाहिए। आग ही लगाई थी, 70% लंका ही जला दी थी, लेकिन नाम उसका सुंदर कांड है फिर भी। तो गुण यहाँ गुण का अर्थ लक्षण नहीं है, जैसे हम कहते हैं इसके अच्छे गुण है इसके बुरे गुण है, ये नहीं है। सत्व गुण का मतलब सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति, राजसिक वृत्ति वाला व्यक्ति, तामसिक वृत्ति वाला व्यक्ति। तो ये जीव के इसमें इसके आधार पे चार वर्ण है, सात्विक वृत्ति वाला ब्राह्मण, राजसिक वृत्ति वाला क्षत्रिय, राजसिक और तामसिक मिक्स जिसका है वो वैश्य, और केवल तामसिक है तो शूद्र। ये कोई जन्म से इतना नहीं है जितना इस गुण से। गीता का श्लोक कहते हैं गुण कर्म विभाग चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, चार वर्ण मैंने बनाए गुण और कर्म के आधार पे ऊपर। तो ये प्रकृति के तीन गुणों के आधार पे चार वर्ण बने हुए हैं। तो यहाँ ये लक्षण जिसमें दिख जाए उसको वैसा मानना चाहिए। तो गुण की ये परिभाषा, धन्यवाद। और दूसरा आपने क्या पूछा, सत्य, वैसे सत्य शब्द है भगवान के लिए, वो गुरु जो भगवान से मिला है वो सत्य गुरु। गुरु एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, जैसे मैं वहां से बाहर से आ रहा हूँ पूछूं कि सदानी दरबार कहाँ है, कहे कि यहाँ आगे जाओ सामने है, वो यहाँ आके मेरे को संत मिल जाए तो वो हो गया पथ प्रदर्शक गुरु। जैसे वो जो वैशा थी वो मिलो मंगल के लिए पथ प्रतिष्ठा गुरु हो गई, कहा कि जितना मेरे शरीर में मुंह है इतना राम में करते तो तुम्हारे को भगवान मिल जाता, तो ये पथ प्रतिष्ठा गुरु है। एक जो रास्ता दिखाने वाला गुरु, उसके बाद आपका उसका कोई संबंध नहीं है लेकिन आपको सही रास्ते पे लगा दिया। एक दीक्षा गुरु है जो मंत्र देता है, एक शिक्षा गुरु है जो हमको शिक्षा देते हैं। तो ऐसे गुरुओं को विभाजन है, सतगुरु प्रमाणिक जो भगवान से मिलाने का काम करे वो सतगुरु, और साक्ष जैसे हम किसी गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं तो वो हमारा गुरु है, वो सतगुरु नहीं है क्योंकि उसका काम हमको भगवान से मिलाना नहीं है, उसका काम है हमको वेद की विद्या देना, तो वो गुरु हो गया वो सतगुरु नहीं होते होगा। सतगुरु वो होगा जो हमको मंत्र देके भगवान से मिलाएगा। ऐसे सारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं तो उसको गुरु ही कहते हैं ना, तो वो गुरु है और सतगुरु मंत्र देने वाला है। धन्यवाद स्वामी जी। एक बढ़िया विनोद वाला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान केवल अर्जुन को ही क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं चुना गया? तुम कहाँ चूस हो गए ढूंढ रहे थे कृष्ण मुझे, पहले से जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूछना, मैं तेरे को बहुत ढूंढा तुम नहीं मिला, फिर अर्जुन मिला उसको दे दिया। क्योंकि अर्जुन ने पहले कल आपको कथा बताई थी, सेना को छोड़ के कृष्ण को चुना था, जिसने सेना को छोड़ के युद्ध के लिए कृष्ण को चुना, कृष्ण ने भी सबको छोड़ के उसको चुना गीता के ज्ञान देने के लिए। एक तो इसका उत्तर सीधा ये है,
जैसे भगवान ने कहा जो मेरे को चुनेगा उसको मैं उसको चुनूंगा, और दूसरा अर्जुन स्वयं कह रहे हैं सातवें श्लोक के दूसरे अध्याय में, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव प्रच्छामि तम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेय सुनिश्चितम् ब्रवीतम् मे शिष्यस्ते हम स्वाभिमान त्वाम परम, मैं आपका शिष्य हूँ आपका शरण लेता हूँ मेरे को शिक्षा दीजिए। और किसी ने ऐसे कहा ही नहीं कि मैं आपका शिष्य हूँ, अर्जुन ने कहा मैं आपका शिष्य हूँ, तो भगवान ने उसको गुरु और उसने कहा उपदेश, तो भगवान ने उसको उपदेश दे दिया। आप कहो भगवान हमारे गुरु बन जाओ हमको उपदेश दो, तो आपके लिए भी गुरु का प्रबंध कर देंगे। धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएगा से परिवार के परम पूज्य स्वामी सर्वभूम मदन से महाराज श्री चंद्र जी बड़ो आनंद जी रहे और सुभाने वेरी आनंद पाणे माणिदा सिंह।